अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डिलीशियस डिशेस बाय महमूदा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी चिकन अंगारा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई भी नई रेसिपी की वीडियो पोस्ट करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चिकन अंगारा बनाने के लिए हमने तकरीबन 1 किलो तक चिकन लिए है। अब सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे, तो मैरिनेशन के लिए हमें कुछ पाउडर्ड मसाले चाहिए, तो वो तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए हमने 2 टेबलस्पून अखी धनिया लिए है, 2 से 3 सूखी लाल मिर्चें लिए है, 3-4 टेबलस्पून हमने जीरा लिए है, 4 से 5 1-1 इंच के हमने दालचीनी के टुकड़े लिए है, 5 से 6 हमने लौंग लिए है, और इसी के साथ हमने 1 टीस्पून काली मिर्चें लिए है। अब इन सारे खड़े मसालों को हम 1.5 से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। खड़े मसालों को अच्छे से रोस्ट करने के बाद हम इन्हें पीस लेंगे और इसका एक अच्छा पाउडर तैयार कर लेंगे। अब हम चिकन लेंगे और इसमें 1 कप और 4 टेबलस्पून दही ऐड करेंगे। इसी के साथ हम इसमें जो पाउडर्ड मसाला हमने तैयार किए थे वो ऐड करेंगे। 2 छोटे चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिए है और 1.5 छोटा चम्मच हमने सादी लाल मिर्च का पाउडर लिए है, तो ये डाल देंगे इसमें। नमक डालेंगे एज पर टेस्ट, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और साथ ही में हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे। अब इन तमाम मसालों को हम चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम चिकन को तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। अब ग्रेवी बनाने के लिए हमने 1 कप तली हुई प्याज लिए है, इसी के साथ हमने 1 कप टमाटर लिए है। अब इन दोनों को पीस कर इसका एक अच्छा पेस्ट बना लेंगे। अब कढ़ाई को गर्म करके हम इसमें तेल डालेंगे और तेल को भी गर्म होने देंगे। जैसे ही ये गर्म हो जाता है हम इसमें 2 दालचीनी के टुकड़े डालेंगे और इसी के साथ 2 से 3 हरी इलायची डालेंगे। अब जो चिकन हमने मैरिनेट किए थे वो इसमें ऐड करेंगे। अब हाई फ्लेम पर हम चिकन को 3 से 4 मिनट के लिए तेल में रोस्ट कर लेंगे। अच्छे से चिकन को हाई फ्लेम पर रोस्ट करने के बाद जो मैरिनेट का मसाला बच गया था उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके वो इसमें डाल देंगे। अब जो टमाटर और प्याज का पेस्ट हमने तैयार किए थे वो इसमें डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और पानी को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हाई फ्लेम पर हम चिकन को तब तक पकाएंगे जब तक इसमें बॉईल आना ना शुरू हो जाए। तो इसमें बॉईल आ गया है। अब हम फ्लेम को मीडियम करेंगे और इसे ढककर 20 से 25 मिनट पकाएंगे और बीच बीच में हम लिड खोलकर इसे थोड़ा चलाएंगे। तो तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं।
ग्रेवी अच्छे से रोस्ट हो गई है क्योंकि तेल मसाले से अलग हो चुका है, ये देखिए। और चिकन भी साथ ही साथ अच्छे से गल गया है, अच्छे से पक गया है, ये देखिए। अब हम फ्लेम को हाई करेंगे और हाई फ्लेम पर हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ग्रेवी को और अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। हाई फ्लेम पर अच्छे से भून लेने के बाद हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब हम ग्रेवी में कोयले का स्मोक देंगे। तो इसमें एक कटोरी प्लेस करेंगे, जलता हुआ कोयला डालेंगे, 2 से 3 लौंग डालेंगे और 1 छोटा चम्मच हम इसमें घी डालेंगे। आप घी के जगह बटर या ऑयल भी यूज कर सकते हो। और अब जल्दी से इसे ढक देंगे और 10 से 15 मिनट हम इसे रख देंगे ताकि अच्छे से ग्रेवी में स्मोकीनेस एब्जॉर्ब हो जाए। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं और कोयले की स्मोकीनेस ग्रेवी ने अच्छे से एब्जॉर्ब भी कर ली है। अब हम ये बोल निकाल देंगे तो ये चिकन अंगारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो ये लजीज और टेस्टी चिकन अंगारा बिल्कुल तैयार है। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइए हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। और फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई भी नई रेसिपी की वीडियो पोस्ट करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।